तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अगर कोई रिजिड बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन कर रही है उसकी डायनेमिक्स की हम बात कर रहे थे, कैसे हम उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। हालांकि हम लोगों ने फिक्स एक्सिस रोटेशन पढ़ी थी, क्या लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रोलिंग वगैरह के बारे में कुछ भी चर्चा की? कुछ नहीं कह दी, तो अभी हमको उसके बारे में पहले बात करनी है। चलिए खैर, अब मैंने इसमें डाल दिया, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कई बार क्या है, अभी तक हम लोग हिंज ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें फिक्स एक्सिस होती। क्या आपको ये बात याद है कि हम टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कब कब लगा सकते थे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कब कब लगाते थे? किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट? यस सर। या फिर अगर कोई फिक्स एक्सिस ना हो तो किसके अबाउट लगाना चाहिए था? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। याद है ना, सूडो टॉर्क को अवॉइड करने के लिए, तो सूडो टॉर्क आ जाएगा, राइट? तो जैसे मान लो एक बॉडी है, अगर हमसे कहा जाए बॉडी है और एक रॉड है हमारे पास, और ये टॉप व्यू आप देख रहे हो, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास, हमने इस बॉडी में इस पॉइंट पर फोर्स लगाया है, टॉप व्यू का मतलब ऊपर से देख रहे हो, ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है, इस रॉड के इस पॉइंट पर फोर्स लगाया है। तो अगर हमसे कहा जाए बताओ रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, अगर ये पूछा जाए, तो ऐसे लेटी हुई है रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस तरह से लेटी हुई है और आप इसे एंड पे फोर्स लगा रहे हो, तो आप समझ लो फिर कैसे आप कैलकुलेट करोगे इसको। देखो रॉड के सेंटर ऑफ मास के पास कुछ एक्सेलरेशन होगा और इसके पास कुछ अल्फा भी होगा, क्योंकि यहां कोई हिंज एक्सिस नहीं है, कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं है। ऐसे में आपको अगर अल्फा निकालना हो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना हो, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकालना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं न्यूटन्स लॉ लगा लेता हूं, एफ इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास होगा, तो होता है इकलौता फोर्स हॉरिजॉन्टल एफ ही लगेगा, क्योंकि जो mg लग रहा होगा उसे नॉर्मल रिएक्शन ने खत्म कर दिया होगा, इसमें दिख नहीं रहा है, ये mg अंदर की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो mg और नॉर्मल तो खत्म हो जाएंगे, है ना? तो h सेंट्रल मास का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? f / m होगा, यानी अल्फा अगर कैलकुलेट करना है टॉर्क इज इक्वल टू i, तो देखो सेंट्रल मास के अबाउट अगर टॉर्क अप्लाई करोगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास i सेंटर ऑफ मास अल्फा, तो सेंटर मास से दूरी कितनी है परपेंडिकुलर l by 2, रॉड का मास अगर m और लेंथ l ले लिया जाए तो ये टॉर्क कितना आएगा बेटा? f into l by 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू i अल्फा ml स्क्वायर बाय 12 into अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या बेटा? 6 f by m l, ये तो आ जाएगा। यस सर। 6 f by m l आ जाएगा, आ जाएगा ना? तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 f by m, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से एक्सेलरेशन का यहां पर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट के साथ लाइक करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे ये कहा जाए, कभी ऐसा सवाल दिया जाए, मान लो ये फिर से वही सवाल है और टॉप व्यू में क्वेश्चन दिया है, टॉप व्यू में यहां पर एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि ये फोर्स की वैल्यू इधर की तरफ लग रहा है एफ फोर्स, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है टू एफ, टॉप व्यू देख रहे, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ, समझ गए ना, लेटी हुई रॉड है हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से ये डिस्टेंस है। अब आपसे कहा गया फाइंड आउट एक्स फॉर विच रॉड मूव इन प्योर ट्रांसलेशन। रॉड प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करे, रॉड रोटेट ना हो, मतलब रॉड पे एक आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा, एक ने यहां लगा लिया और रॉड सीधे ट्रांसलेटरी मोशन करे, रोटेट नहीं कर रही। अच्छा अगर कोई बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही तो रिजिड बॉडी का ओमेगा कितना होगा? जीरो। और अल्फा भी कितना होगा? जीरो। तो रोटेट ना होने का मतलब है अल्फा जीरो होना चाहिए। यस सर।
और अल्फा जीरो होने का मतलब है कि अगर अल्फा हमें, और क्या यहाँ पर कोई फिक्स एक्सिस है, हिंज है कोई? हिंज तो है नहीं। इसका मतलब है अल्फा अगर हमें निकालना हो तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास अल्फा। अगर अल्फा जीरो है, बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या जीरो होना चाहिए? टॉर्क जीरो होना चाहिए। इसका ये मतलब है किसी बॉडी को अगर हम रख दें और बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगा दिए, तो हमने दो लगाए, आप मल्टीपल फोर्सेस लगा सकते हो या एक भी लगा सकते हो। और ये कह रहा है कि बॉडी में, बॉडी का जो मोशन है प्योर ट्रांसलेशन है, तो इसका मतलब उसमें अल्फा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा तो बॉडी का अल्फा जीरो होगा। जब बॉडी का अल्फा जीरो होगा, शुरुआत में ओमेगा था नहीं, तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी प्योर ट्रांसलेशन करेगी, क्योंकि ओमेगा था भी नहीं और ओमेगा आएगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे टॉर्क जीरो करना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो करना है, तो देखो इस पॉइंट के अबाउट ये 2f का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा बेटा, 2f into x, yes sir, अरे आएगा कि नहीं? yes sir। और f का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा, यहां से डिस्टेंस कितनी है? l by 2, तो f into l by 2, ये जीरो होना चाहिए बेटा नेट टॉर्क। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? yes sir। अब मान लो हम एक ही फोर्स लगाएं बॉडी पे, बॉडी पे ओनली वन फोर्स लग रहा है और हम कह रहे हैं अल्फा जीरो होना चाहिए, तो वो फोर्स हमें कहां लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर कहीं भी और लगा दोगे तो टॉर्क आ जाएगा भाई, दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा है। बताओ, अगर दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा है तो कोई कैंसिल करने, यहां तो चलो ये था, एक ने टॉर्क जनरेट किया, दूसरे ने कैंसिल कर दिया, या तो हम कह रहे हैं हमने एक ही फोर्स लगाया। तो अगर एक ही फोर्स लगाया और हम चाहते हैं कि बॉडी रोटेट ना करे, तो फोर्स कहां लगाना चाहिए? सेंटर ऑफ मास पे लगाना चाहिए। यानी कि अगर हम तुमसे कहें कि स्फीयर है, एक स्फीयर है, गोल गोल स्फीयर है और फ्रिक्शन लेस सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो देखो mg यहां से पास हो रहा है, नॉर्मली यहां से पास हो रहा है। अब अगर मैं यहां पर फोर्स लगा दू सेंटर ऑफ मास पे, तो सारे फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएंगे ना। यहां से फोर्स लगा के घसीटूंगा तो इसके पास कोई अल्फा नहीं आएगा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा जो एफ बाई एम के बराबर होगा। लेकिन कहीं और लगा के फोर्स घसीटोगे तो ये ट्रांसलेट भी होगी बॉडी, साथ ही साथ क्या होगी? रोटेट भी होगी। यानी अगर किसी बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लगा के बॉडी को पुल कर रहे हो और चाहते हो कि बॉडी में रोटेशन ना हो, तो फोर्स कहां लगाओगे? सेंटर ऑफ मास। भूल जाते हो, कल भूल जाओगे ये वाली बात, तंग कर देते हो हमको, परेशान कर देते हो, लिख लो चलो। अब जैसे यही बात भूल गए थे तुम लोग, कौन सी बात? हमने अभी पूछा कि अगर कोई फिक्स एक्सिस ना हो तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा किस एक्सिस के अबाउट लगानी चाहिए। अब यही नहीं याद है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और यस तुम क्या करोगे, देख लोगे पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग। चलो एक क्वेश्चन करो जरा। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक उन्होंने टी शेप रॉड दी थी, एक रॉड है उसको ऐसे एक दूसरी रॉड जोड़ रखी थी, काफी पहले जी नहीं का क्वेश्चन। इस रॉड का मास m और लेंथ l है, इस रॉड का मास m और लेंथ है। टॉप व्यू आप देख रहे हो, यहां पर भी टॉप व्यू देख रहे हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी है। एक आदमी ने यहां पे f फोर्स लगा के इसको पुल करना शुरू किया, पॉइंट p पे फोर्स लगाया, तो उन्होंने पूछा था कि यहां से या यहां से, मैं यहां से पूछ लेता हूं कि कितनी डिस्टेंस पे फोर्स लगाया जाए। ये वाली रॉड भी, ये वाली रॉड के भी मास है, फोर्स लेंथ है, कहां फोर्स लगाया जाए ताकि ये पूरा जो जॉइंट है यहां पे वेल्डिंग है ये प्योर ट्रांसलेशन करे। फाइंड आउट दी फॉर विच बॉडी ट्रांसलेट विदाउट एनी रोटेशन। या इट परफॉर्म्स प्योर ट्रांसलेशन। कैसे करोगे? देखो कैसे करेंगे, हमने कहा कि एक ही फोर्स अगर लगाना है तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास, अभी तो बता रहे थे। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है, m मास कंसंट्रेट कर दो,
इस रॉड का सेंटर मास यहाँ, यहाँ पर भी एम मास कॉन्सेंट्रेट करो। अब एक पार्टिकल ये बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल है, पूरे का सेंटर मास कहाँ होगा? बीचों बीच। ये एल बाई टू है तो ये कितना हो जाएगा उसका हाफ एल बाई। डी इज इक्वल टू एल बाई फोर इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का सवाल, अगर सिंगल फोर्स ही लगा रहे हैं सेंटर मास के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, अभी तो डिस्कस किया था सेंटर मास के अबाउट अगर टॉर्क जीरो होगा तो बॉडी प्योर ट्रांसमिशन करेगी, है ना? तो इसका मतलब है कि अगर एक सिंगल फोर्स के कारण ही टॉर्क हो सकता है तो उसको वहीं से पास करा दो सेंटर ऑफ मास। अभी तुमको थप्पड़ पड़ जाएगी। और देखो समझाना फिर से प्रॉब्लम नहीं है, फिर से ये तुम कूड़ा कूड़ा बातें भूल गई हो। मल्टी बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते थे? पहले हर बॉडी को उसके अपने सेंटर ऑफ मास पे जस्ट लाइक ए पार्टिकल उसको रिप्लेस करते थे। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब आपको दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखना है तो किसी भी एक पार्टिकल से अगर हमें डिस्टेंस लेनी होती थी तो हम क्या करते थे, एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू। लेकिन यहां पर अगर हमारा मास सेम है तो एम और बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल बाई टू अपॉन एम प्लस एम, तो ये कितना आएगा, एल बाई फोर आएगा। मिड पॉइंट पे होगा ना, अगर मास इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा ना बेटा। इस तरह की वायद बातें क्या करो, इतना सब पढ़ा चुके हैं, कॉपी पलट के कभी कभी देख लिया करो तुम लोग घर पे, पता नहीं क्या करते तो पढ़ते लिखते नहीं इतना समझाते हैं, मार बैठा आप सही करते हैं किसी दिन सबको एक तरफ से बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। आगे बढ़े भाई। यस सर। ठीक है चलो जरा हम थोड़ा सा समझते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन क्या है किसी रिजिड बॉडी का। And the rotational motion of a rigid body. एक बड़ा important concept हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। अरे भाई दो point वाला center pass नहीं याद है? चलो सबसे पहले अब हमने कहा कि हमने दो फंडामेंटल मोशन पढ़े थे रिजिड बॉडी के, एक जिसमें प्योर ट्रांसलेशन करती थी बॉडी, बॉडी के सभी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता था, याद है कि नहीं? तो सभी पार्टिकल का पैरेलल रास्ते में मूव करते थे, बॉडी का ओरिएंटेशन नहीं चेंज होता था, याद करो पढ़ाया था। और एक होता था प्योर रोटेशन जिसमें किसी एक्सेस के अबाउट सारे पार्टिकल क्या करते होते थे, सर्कुलर मोशन, उसे प्योर रोटेशन कहते हैं। लेकिन कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो ना तो प्योर ट्रांसलेशन है ना ही प्योर रोटेशन। रिजिड बॉडी में कितने प्रकार के मोशन होते हैं, बहुत हजारों तरह के मोशन होते हैं। तो अब ऐसे हम हजार कैटेगरी तो बना नहीं सकते, लेकिन हम ये देखेंगे और महसूस करेंगे कि जितने भी रिजिड बॉडी के रैंडम मोशन है, वन डी टू डी थ्री डायमेंशनल मोशन, हम हर मोशन को कह सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इट इज सुपर पोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बस समझ रहे ना? तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, रोलिंग की बात करते हैं, रोलिंग मोशन की बात करते हैं। मान लो कोई बॉडी हमारे पास यहां रोलिंग कर रही थी, हमारे पास एक बॉडी थी ये, और उसमें एक लाइन थी ये ए बी लाइन, अभी ये लाइन वर्टिकल है और ए नीचे है बी इधर है, ये सेंटर है वो, और ये रोलिंग कर रही है। रोलिंग में क्या होता है, बॉडी ऐसे घूमते 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 ऐसे आगे बढ़ती बढ़ती है। yes, सोचो जब ये रोलिंग करते करते 90 डिग्री घूम जाएगी तो बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। yes, अगर हम कहें इस बॉडी का रोटेशन कितना हुआ तो आप बोल दोगे सर 90 डिग्री रोटेट हुई है बॉडी। yes, लेकिन जब ये बॉडी रोटेट हुई है तो तब तक कुछ आगे भी बढ़ गई होगी, बिकॉज आगे भी मूव कर, रोलिंग होता ही ऐसे है, पहिया ऐसे रोल करता हुआ जाता है। तो अगर हम कहें कि बेटा ये रोलिंग के दौरान का बॉडी ऐसे 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 आगे बढ़ रही है, इसी चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? देखो ना तो ये प्योर ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई भी लाइन जो होती है वो हमेशा अपने आप पे कैसी रहती है, पैरेलल। प्योर रोटेशन में क्या होता है, कोई पॉइंट होता है जो फिक्स होता है जिसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में, तो यहां पर तो ट्रांसलेट भी कर रही है बॉडी,
बॉडी का कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, सब मूव कर रहा है, इट्स नॉट प्योर रोटेशन ऑफ द बॉडी आल्सो, है ना? यस तो भैया फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, समझना ध्यान से, अगर हमने कहा कि यानी कि ये हमने कहा कि यार ये अलग मोशन है, रोलिंग बिल्कुल अलग है, नाइदर इट इज ट्रांसलेशन नॉर इट इज रोटेशन, तो हमने कहा क्या हम इसे ट्रांसलेशन रोटेशन से रिलेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें रोलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ना हमें वेलोसिटी की जानकारी है, ना काइनेटिक एनर्जी की, ना वेलोसिटी, ना एक्सेलरेशन की, ना पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की, है ना? तो हमने कहा कि यार अगर इसको हम ध्यान से देखें, अगर मान लो हम इसे रोलिंग ना कराएं, रोलिंग ना कराएं, पल के लिए फील करो जरा, ये ए है ये बी है, इसको सिर्फ ट्रांसलेशन कराएं, पहले इसको ट्रांसलेशन कराएं, हर पॉइंट इसका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन करा दिया मैंने, ए यहां है बी यहां, ये वाला पॉइंट ऐसे आया, ये वाला पॉइंट ऐसे आया, ये वाला पॉइंट ऐसे, क्या कराया हमने यहाँ पर? प्योर ट्रांसलेशन कराया बॉडी, फिर हमने कहा सेंट्रल एक्सिस के अबाउट यही प्योर रोटेशन करा दिया, यही अब हमने प्योर रोटेशन कराया 90 डिग्री, इसको प्योर रोटेशन करा दिया, जब 90 डिग्री रोटेशन कराया तो ये बी आ गया, ये ए आ गया, तो यहां से यहां आने में हमने क्या कराया बेटा? प्योर रोटेशन कराया, तो हमने कहा कि अगर हम पहले इसको ट्रांसलेट करें फिर रोटेट करें तो हमको वही स्टेट मिलेगी जो एक्चुअली रोलिंग में मिल रही, क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब हमने कहा कि रोलिंग के दौरान जिस तरह से बॉडी की फिजिकल स्टेट में बदलाव हो रहा है, तो हमने बड़े चेंज के लिए कहा, आप बहुत छोटे चेंज के लिए कर सकते हो कि बॉडी हल्का सा ऐसे हुई, हल्का सा ऐसे, उतने मोशन के आप ऐसे फील कर सकते हो कि बॉडी ने ट्रांसलेट भी किया और तो मैं कहना यह चाहता हूं जो कि जिस तरीके से रोलिंग के दौरान बॉडी की फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, हूबहू वैसा ही फिजिकल स्टेट में चेंज होगा यदि बॉडी को रोलिंग ना करा के क्या कराया जाए, ट्रांसलेशन और रोटेशन को कंबाइन किया जाए, सुपर इंपोज किया। अभी हमने आपको फुटकर अलग अलग करके दिखाया, इसको मिला दो मोशन को, साइमल्टेनियसली सुपर इंपोज कर दो, ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मोशन रिजल्टेड मिलता है वो सुपर पोजिशन मान लेते हैं दो मोशन का, एक एक्स के नॉर्म और एक वाई के नॉर्म, सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशन। अरे मेरी बात समझ रहे हो? इट मीन्स दिस रोलिंग मोशन कैन बी सपोज टू बी या कैन बी एज्यूम टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इसको हम ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। अभी क्यों मान सकते हैं? और सुनो, जरूरत क्या है सर, क्यों मान लो कि उसके पीछे पड़े हो? क्योंकि ट्रांसलेशन में हमें पता है कि वेलोसिटी सबकी सेम होती है, हमें रोटेशन के भी कैलकुलेशंस आते हैं, हमको रोलिंग के कैलकुलेशंस थोड़े ना आते हैं, तो रोलिंग के बारे में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होंगे तो हम कैसे करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे, नई गणित लगानी पड़ेगी। तो हमने कहा रोलिंग को उन चीजों में कन्वर्ट कर लेते हैं जिन चीजों के बारे में हम जानते थे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक्स और वाई से कन्वर्ट करके वाई में अलग लगा लेते थे, एक्स में अलग लगा लेते, याद करो? Yes, तो बेटा सिर्फ रोलिंग ही नहीं, अभी मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, ये मैंने थोड़ा सा बड़े इंटरवल के लिए दिखाया है, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दोगे तो आपको रोलिंग मिल जाएगी। जैसे मान लो ये एक वॉल है बेटा, ये वॉल है, ये वॉल, ये एक रॉड है, इसमें फिसल है, सोचो ये रॉड यहां पर थी पहले और ये फिसल के मान लो यहां पर ऐसे, ये फिसलते फिसलते, ये रॉड फिसलते फिसलते है, अब देखो रॉड का ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है, देयर इज रोटेशन इन द रॉड आल्सो, है ना, और रॉड के सभी पॉइंट मूव कर रहे हैं तो रॉड पे ट्रांसलेशन, कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं यहाँ पे, तो ना तो ये प्योर ट्रांसलेशन है ना ये प्योर रोटेशन है। अब हम देखें कि इस प्रकार का मोशन जो है इसे कैसे समझ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप पहले ये मान लो कि रॉड ने प्योर ट्रांसलेशन किया, अब आप खुद सोचो अगर ऐसे से ऐसे लाए तो ये कैसा मोशन है, हर पॉइंट ऐसे मूव कर रहा, देखो ये ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं, फिर ये पॉइंट कर दे फिक्स और ऐसे ले आए तो क्या हुआ, तो पहले ट्रांसलेट करें फिर रोटेट करें तो क्या वही पहुंच जाएंगे जहां रॉड एक्चुअली है? Yes, sir. इसका मतलब अब इसको आप डीटीटी इंटरवल में सुपरइंपोज करोगे तो साइमल्टेनियस सुपरपोजिशन दिखाई पड़ेगा, यानी कि रॉड का इस तरह से फिसलना एक्चुअली दो मोशन का सुपरपोजिशन समझा जा सकता है, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन।
तो यहां से बच्चों मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूं, एनी मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, एनी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, कोई भी ऐसा मोशन जो प्योर ट्रांसलेशन नहीं है, जो प्योर रोटेशन नहीं, कोई मोशन बेटा, एनी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी या कैन बी एज्यूम एज अ कॉम्बिनेशन, एज द कॉम्बिनेशन या सुपर पोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बात समझ रहे ना, इसका मतलब यह है बच्चों, अब मुद्दे की बात यह है कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ सुपर पोजिशन। मीनिंग मतलब यह होता है जब दो मोशन सुपर इंपोज होते हैं तो मोशन की जो काइनेमेटिकल क्वांटिटीज होती है वो भी सुपर इंपोज हो जाती है। जैसे हमने कहा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दो मोशन का सुपर पोजिशन मानते थे, एक वाई में एक एक्स में, तो वाई में जो मोशन होता था उसकी वेलोसिटी वी वाई होती थी और एक्स में जो मोशन होता था उसकी वेलोसिटी वी एक्स होती थी। रिजल्टिंग वेलोसिटी कैसे निकालते थे, दोनों का वेक्टर एडिशन करके। तो जब भी मोशन का सुपर पोजिशन करते हैं तो नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो पहले वाले मोशन के कारण, फर्स्ट मोशन के कारण मिलने वाली वेलोसिटी, मोशन फर्स्ट के कारण और मोशन सेकेंड के कारण जो मिलने वाली वेलोसिटी है उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का अगर निकालना हो, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो मोशन फर्स्ट के कारण मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट प्लस मोशन सेकेंड के कारण जो मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट है, दोनों मोशन के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट मिला है उनको जोड़ दोगे तो आ जाएगा। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन आप कह सकते हो कि दोनों मोशन के कारण एक्सेलरेशन इन मोशन वन और एक्सेलरेशन इन मोशन टू, इनका इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कहा रोलिंग में वेलोसिटी बतानी हो किसी पार्टिकल की, तो रोलिंग के दौरान किसी पार्टिकल को ड्यू टू ट्रांसलेशन जो वेलोसिटी मिलेगी एंड ड्यू टू रोटेशन जो वेलोसिटी मिलेगी उनका वेक्टर एडिशन जो होगा वो नेट वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी जिन मोशन का सुपर पोजिशन, बच्चों सुनो, जिन दो मोशन का सुपर पोजिशन हम किसी तीसरे मोशन को मानते हैं तो उस तीसरे मोशन की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो पार्टिकल की तो उन दोनों मोशन के कारण मिलने वाली वेलोसिटी का वेक्टर सम कर देते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रहे ये कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन हर जगह नहीं एप्लीकेबल होता है कि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क और हर जगह लगा दिया, इट इज एप्लीकेबल फॉर वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो कुछ बच्चे काइनेटिक एनर्जी में भी उसी तरह से अप्लाई कर लेते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी में चर्चा करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का सम कह तो देते हैं पर एक्चुअली वो होता कुछ और है, तो इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो बात हमेशा ट्रू नहीं रहेगी, तो उसको फटाक से आप लोग लिख लीजिए। तो आइए हम थोड़ा सा रोलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी ग्राउंड में रोलिंग कर रही है और हमें किसी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करनी है, तो इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है रोटेशन भी हो रहा है, तो आप कह सकते हो ये सुपर पोजिशन है दो मोशन का, एक तो ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी। ट्रांसलेशन में क्या होता है, सभी पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, तो ये वेलोसिटी भी है। अगर अदर सोचो ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशन कर रही होती तो सभी पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या होती, इक्वल होती कि नहीं? Yes, sir. कोई भी पार्टिकल होता है सभी की वेलोसिटी इक्वल होती है, इस ये है प्योर ट्रांसलेशन, है कि नहीं? इसमें अगर मैं सेंटर ऑफ या सेंट्रल एक्सिस में कह देता हूं इसके अबाउट में रोटेट कर दूं तो ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी एंड रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस इन दो मोशन का सुपर पोजिशन है। अरे है कि नहीं? बताओ, देखो आप खुद सोचो, अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं इसको वी वेलोसिटी से तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, अगर सोचो सेंटर के अबाउट मैं रोटेट कराऊंगा तो इस सेंटर को कोई वेलोसिटी नहीं मिली। अभी जिसके अबाउट रोटेट कर खुद तो वो रेस्ट है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है आर ओमेगा। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो पार्टिकल सब कैसा मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे ना। yes, सर्कुलर मोशन में वी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, आर ओमेगा लगाएंगे ना। बताओ yes, बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, इसमें पार्टिकल वेलोसिटी जिससे वो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी कितनी होगी, आर ओमेगा होगी। इस पार्टिकल कितनी होगी,
किस डायरेक्शन में? इस पार्टिकल की ऊपर ऊपर। अगर रेडियस के परपेंडिकुलर ही तो होगी बेटा। यस सर। इसकी बताओ। ऐसे मतलब टेंजेंट बनेंगे। ऐसी होगी। यस सर। इसकी बताओ। समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा पॉइंट अगर कोई अंदर है तो स्मॉल आर डिस्टेंस है तो ये क्या होगी? स्मॉल आर होगी। ये एंगल कितना होगा? 90। यानी ये जब प्योर रोटेशन मोशन होगा तो हर पार्टिकल को वेलोसिटी मिलेगी आर ओमेगा। यस सर। प्योर ट्रांसलेशन में सभी को वेलोसिटी सेम मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? इन दोनों मोशन को सुपरइंपोज कर देंगे तो ये बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं? यस सर। तो अगर मुझे रोलिंग समझनी है, उसकी काइनेमेटिक्स की वेलोसिटी समझनी है पार्टिकल की, तो मैं देखो दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। समझना जरा, मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी मार्क करूंगा। ये मेरे पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है या रोटेशनल? अगर मैंने कहा कि भैया मुझे इस पॉइंट की रोलिंग के दौरान नेट वेलोसिटी चाहिए, इसे हम दो तरह से समझेंगे। एक तो मैं अभी सुपर पोजिशन के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, जिसमें हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के कारण मिलने वाली वेलोसिटी वेक्टर्स को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन का, उससे भी हम उसको समझेंगे। पहले आप इसे इतना समझो। तो हमने कहा भाई ये वाला पार्टिकल का जो एक्चुअल मोशन हो रहा है, इसमें दो मोशन सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक ट्रांसलेशनल के कारण तो सबको सेम वेलोसिटी मिलेगी, तो जो इसके पास है वही इसको मिलेगी। अब कुछ जैसे ये फोटो अगर दे दी जाए तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर आपको कैसे पता चला कि यही वाली ट्रांसलेशन की वेलोसिटी? क्योंकि अगर रोलिंग हो रही है तो रोलिंग में ऑलरेडी दोनों इफेक्ट का कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशन भी रोटेशन भी, तो हो सकता है ये वाली वेलोसिटी जो आई हो उसमें ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो। तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि ये पूरी की पूरी वेलोसिटी ट्रांसलेशन की? क्योंकि वो तो जीरो होगी। हां, क्योंकि रोटेशन के कारण इसमें कोई वेलोसिटी मिल नहीं रही है, यानी इसके पास जो भी वेलोसिटी है एक्चुअल में वो किसके कारण मिली है? ट्रांसलेशन के कारण। और ट्रांसलेशन वाली तो सबको क्या मिलती है? बराबर बराबर। अब समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो यहां पर बेटा ट्रांसलेशन के कारण जो वेलोसिटी मिल रही है वो भी है, ठीक है, और रोटेशन के कारण क्या मिलेगी बेटा? देखो आर ओमेगा। अभी देख पा रहे हो कि नहीं? ऐसे अगर रोटेट कराओगे तो आर ओमेगा आएगी इसी डायरेक्शन में। अरे आएगी कि नहीं? यस सर। तो बताओ जरा ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? अगर मैं इसे एक्स मान लूं, इसे वाई मान लूं, तो क्या v प्लस आर ओमेगा आई कैप होगा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आइए मैं सामने वाला पॉइंट लेता हूँ, बी पॉइंट लेता हूँ, बी पॉइंट की तो ट्रांसलेशन के कारण इधर मिलेगी और रोटेशन के कारण इधर मिलेगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो रोटेशन कारण इधर मिल रही, रोटेशन ऐसे हो रहा है बेटा, तो इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो बी एक्चुअल वेलोसिटी जो बी पॉइंट की होगी वो ये होगी। तो बी पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है बेटा? वी आई कैप माइनस आर ओमेगा जे में ही। बहुत बढ़िया। सी पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ट्रांसलेशन इधर आएगा, रोटेशन मान लेते हैं चलो वी बड़ा है आर ओमेगा से, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी बेटा? वी माइनस आई कैप। अरे है कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा। जे पॉइंट की वेलोसिटी देखिए, डी पॉइंट की, डी है वी इधर है और आर ओमेगा इधर, अरे है कि नहीं? यस सर। तो भैया इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, डी पॉइंट की वेलोसिटी बोलो जरा, वी आई कैप प्लस आएगा कि नहीं? अभी बाकी पॉइंट्स की वेलोसिटी भी निकालेंगे। चलो एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, फिर कंडीशन की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो इसके पास ये v है, ये ओमेगा है, देयर इज अ पॉइंट p जो यहां से थीटा एंगल पर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो ट्रांसलेशन के कारण तो वही मिल जाएगी। यस सर। और रोटेशन कारण रेडियस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। यस सर। अगर मैं यहां एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा। यस सर। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लेता हूं, इधर की तरफ है आर ओमेगा और इधर की तरफ आर ओमेगा, तो P पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ होगी V प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप। दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। यानी अगर रोलिंग मोशन हो रहा है या कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, तो किसी भी पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण मिलने वाली वेलोसिटी और रोटेटरी मोशन के कारण मिलने वाली वेलोसिटी का वेक्टर सम होगी। अरे होगी कि नहीं? यस सर। तो हम कंपोनेंट करके वेक्टर सम ले लेते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग किसे कहते हैं? ये तो हमने कहा कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन प्योर रोलिंग कहते हैं, इसे बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को प्योर रोलिंग कहते हैं।
अगर प्योर ना भी लिखा हो, लिखा हो बॉडी रोलिंग कर रही है, मींस वो बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है। सुनो बेटा, रोलिंग के दौरान अगर बॉडी कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कोई रिलेटिव स्लिपिंग अगर ना हो तो उसे प्योर रोलिंग है। जैसे मान लो ये वाला, अगर आप देख रहे हो नीचे वाली फ्लोर है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, और ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में कौन सा पॉइंट है, जैसे मेरे दो हाथ दो उंगलियां हैं और ये बताओ आज सात रात चल रही, अगर ये ऐसे स्लिप कर जाए तो इसे कहते हैं रिलेटिव स्लिपिंग। क्या कहते हैं? रिलेटिव स्लिपिंग। तो अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रोल कर रही है तो जहां कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां क्या नहीं होनी चाहिए? रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो गई उस पॉइंट पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन इमेज में आ जाएगा, उसे रोलिंग विद स्लिपिंग बोलेंगे या सिंपल स्लिपिंग कह सकते हो कि रोल स्लिप कर रही है बॉडी रोलिंग के दौरान, वो प्योर रोलिंग नहीं कहलाएगी। प्योर रोलिंग उसे बोलते हैं कि बॉडी इस तरह से लुढ़के इस तरह से रोलिंग करे कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कोई भी स्लिपिंग ना हो। बच्चों अब सुनो, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग ना होगी इस बात की क्या कंडीशन है? तो बड़ी सिंपल बात है कि अगर दो पॉइंट कॉन्टैक्ट में है और दोनों मोशन कर रहे हैं तो दोनों में स्लिपिंग ना होने की एक ही शर्त है कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। अगर इस उंगली की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे चली जाएगी, इसकी ज्यादा है तो ये आगे चली जाएगी। समझ गए ना? ठीक उसी प्रकार से बॉडी का जो भी पॉइंट किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो सरफेस की होनी चाहिए। नहीं तो सरफेस की वेलोसिटी मान लो 10 है, उस पॉइंट की 11 हो गई तो वो पॉइंट सरफेस पर रगड़ जाएगा, स्लिप कर जाएगा, कर जाएगा कि नहीं? कर जाएगा। अब ये बताओ ये बॉडी कहां रोलिंग कर रही है, किस सरफेस पे कर रही है? ग्राउंड पे। और ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है बेटा? जीरो। ग्राउंड के फ्रेम में ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है बेटा? जीरो। अब ग्राउंड पे कौन सा पॉइंट रखा है? तो फॉर प्योर रोलिंग सी पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? और वो कितनी है बेटा इस फ्रेम में? जीरो है बेटा, यानी सी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अगर सी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो नीचे वाला पॉइंट स्लिप करेगा एंड उसे हम प्योर रोलिंग नहीं कहेंगे। प्योर रोलिंग की कोई मैथमेटिकल कंडीशन नहीं होती। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट देन रोलिंग इज कॉल्ड प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो सुनो, सी पॉइंट की वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है? सी पॉइंट पे वी इधर की तरफ है बेटा, आर ओमेगा। अगर वी बड़ा है आर ओमेगा से, अगर वी बड़ा है आर ओमेगा से, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर होगी? इस तरह। तब ये पॉइंट स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वो होगी रोलिंग विद स्लिपिंग, और इस तरह की स्लिपिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? जब वी बड़ा होता है आर ओमेगा से तो फॉरवर्ड स्लिपिंग कहते हैं। और कई बार आप देखो तो गाड़ी जब आप पहिया रोल करते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, ब्रेक लगा देते हो, ब्रेक के दौरान पहिया घूमना बंद हो जाता है, लेकिन स्पीड ज्यादा होती है तो गाड़ी स्किड करती है। बताओ, डिस्क ब्रेक लगा दिए, अब बॉडी के पास वेलोसिटी ज्यादा है पर ओमेगा कम है, वी ज्यादा है ओमेगा कम है। ऐसी परिस्थिति में वी बड़ा होता है ओमेगा से, और वी अगर बड़ा है ओमेगा से तो ये पॉइंट आगे की तरफ भागता है, स्किड करता है, रगड़ता है उसके, अरे करता है कि नहीं? तो वी अगर आर ओमेगा से बड़ा होगा तो ये पॉइंट बताओ पीछे जाएगा कि आगे? फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि आगे? फ्रिक्शन पीछे लगेगा। काइनेटिक इस प्रकार की स्लिपिंग को कौन सी, फॉरवर्ड स्लिपिंग की बैकवर्ड स्लिपिंग? क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट फॉरवर्ड जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर मान लो कई बार गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, देखा तो पहिया घूमता तो जोर जोर से पर चलती गाड़ी धीरे धीरे, अरे फंसता है कि नहीं? तो पहिया कीचड़ में फंस जाता है तो नीचे वाला पॉइंट उस केस में ओमेगा बहुत ज्यादा होता है लेकिन वी कम होता है, धीरे धीरे पड़ रही पर घूमे जा रहा है। उस केस में नीचे वाला पॉइंट जो होता है आर ओमेगा अगर वी से बड़ा है तो ये पॉइंट पीछे की तरफ भागता है। अगर आप धक्का लगा रहे हो तो साइड से लगाना कि नहीं तो पूरा मेकअप हो जाएगा। बस समझ में आता है कि नहीं? तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे एक बार हम बारात में गए थे, बारात से समझे बारात, तो बारात गए थे बेटा तो मेकअप हो गया, कोट वोट पहने थे, समझ रहे हो? खुद तो गाड़ी थी नहीं, कई लोग मित्र थे, इनोवा करे किराए पे, इनोवा थोड़ी पुरानी थी, पैसे सस्ते ले लिए। एक तो बरसात होगी जहाँ शादी में गए वहां इतने लेट हो गए कि बरसात होगी बहन का, बरसात होने में क्या था जो भी उनका टेंट तंबू था सब बह गया, खाना खाने से पहले ही बह गया, तो एक तो भूखे आ रहे थे लौट के। 12 बजे रात का कहीं दूर दराज एकदम गांव जैसे एरिया में गए थे और वहां भाई साहब एक जगह फंस गए गाड़ी कहीं बारिश में, सारे लोग बारिश में उतर के बोले लगाओ भाई धक्का। उस समय किसी को गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, तो 7 लोग थे तकरीबन, सब लोग धक्का लगा रहे थे, हालांकि हम तो फिजिक्स के ज्ञाता थे तो हम थोड़ा साइड हो गए। हमारे एक महोदय
बिल्कुल टायर के पीछे ही धक्का लगाने में लगे हुए थे। टायर क्या है, बैकवर्ड स्लिपिंग हो गई, पूरा मेकअप हो गया। तो ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है, अगर आर ओमेगा बी से बड़ा है, अगर आर ओमेगा बी से बड़ा है तो ये पॉइंट पीछे की तरफ आएगा, इसे बैकवर्ड स्लिपिंग है। ये ऐसा जब भी जैसे कीचड़ वाला एग्जांपल हमने दिया, गाड़ी फंस जाती है, लेकिन अगर बी आर ओमेगा के बराबर हो तो सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। देखो बी अगर आर ओमेगा के बराबर है तो सी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, ना तो फॉरवर्ड स्लिप कर रहा है ना बैकवर्ड स्लिप कर रहा है, इसे प्योर रोलिंग कहते हैं। तो VC की वैल्यू है V माइनस R ओमेगा और ये जीरो होना चाहिए, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा। ये है कंडीशन ऑफ रोलिंग। क्या बेटा, कंडीशन ऑफ रोलिंग ऑन ए फिक्स्ड सरफेस, ऑन ए फिक्स्ड सरफेस। अब देखो लोग रट्टा मार लेते हैं, लोग को लगता है कि हमने क्या कहा, ये कोई कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है। कंडीशन यही है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट पर अगर स्लिपिंग नहीं चाहिए तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर दोनों सरफेस की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब मान लो नीचे ग्राउंड ना होता, एक चलते हुए ट्रक में बॉडी रोल कर रही है, ट्रक है, ट्रक मान लो V1 से जा रहा है, बॉडी ऐसे रोल कर रही है, इस परिस्थिति में जो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी इसकी है, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए इस केस में, इस केस में कंडीशन क्या होगी, फेल हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी, पर कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बॉडी जिस सरफेस पर रोल करती है उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो सरफेस की है, अदरवाइज या तो वो पॉइंट उस सरफेस के रिलेटिव में फॉरवर्ड स्लिप कर जाएगा या बैकवर्ड स्लिप कर जाएगा। तो यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कि अगर V ग्रेटर देन R ओमेगा है तो इसे कौन सी स्लिपिंग कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड स्लिपिंग कहते हैं, और V लेस देन R ओमेगा है जिसे क्या कहते हैं बेटा, क्यों कहते हैं, समझ में आ रही बात, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो आगे पीछे के हिसाब से कहते हैं। ठीक है, लिख लो इतनी कहानी। यहाँ पर हमने कितनी चीजें सीखी, हमने पहले तो ये सीखा कि तो हम समझ ही चुके थे कि रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन सभी को बराबर वेलोसिटी देता है, रोटेशन सभी को आर ओमेगा देता है। तो रोलिंग के दौरान अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें दो वेक्टर जोड़ेंगे, एक वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन V होगी, एक वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन आर ओमेगा होगी, दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे। तो किसी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी निकालना सीखे, और दूसरा ये सीखे कि कंडीशन ऑफ रोलिंग कैसे निकले। कंडीशन ऑफ रोलिंग हमेशा फिक्स नहीं है, देयर इज नो मैथमेटिकल फार्मूला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या कोई पूछे कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या है तो पट से इक्वल टू आर ओमेगा ना बोल देना। नहीं, ये सिर्फ तब वैलिड होगी जब सरफेस कैसी होगी, फिक्स। जैसे फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग हो रही है, फिक्स्ड वेज पे रोलिंग हो रही है, ग्राउंड पे रोलिंग हो रही है, तब वैलिड है। मूविंग प्लेटफॉर्म पे अगर रोलिंग होगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? लेकिन लॉजिक उसका क्लियर है। लॉजिक क्या कहता है, जिस सरफेस पे बॉडी रोल करेगी उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी उस सरफेस के बराबर करती है। बात समझ रहे हैं? कोई पूछे व्हाट इज कंडीशन ऑफ रोलिंग, तो दो लाइनें चिपका दो, तो कंडीशन ऑफ रोलिंग ये कि देयर मस्ट नॉट बी एनी रिलेटिव स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। अरे समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो बात नहीं, अब इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एक तो हमने देख लिया ये वाला नजरिया कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और जनरल नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी V वेक्टर और रोटेशन के कारण R ओमेगा वेक्टर का रिजल्ट मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास बॉडी में कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, तो कोई भी जनरल पॉइंट है एनी पार्टिकल की, तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का सेंटर के रिलेटिव में लिखनी हो ना, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम समझते हैं, तो सेंटर के रिलेटिव में अगर लिखनी हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस सेंटर के, याद है सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, ए की बी के रिलेटिव में कैसे लिखते थे, ए की वेलोसिटी माइनस बी की। लेकिन मान लो सेंटर के रिलेटिव में नहीं लिखा, हमें चाहिए ये पार्टिकल की वेलोसिटी किसके रिलेटिव में, ग्राउंड के, और ये सेंटर की किसके रिलेटिव में, ग्राउंड के, हमें ये निकालना, पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में निकालनी है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्टिकल की सेंटर के रिलेटिव में प्लस सेंटर की ग्राउंड के, ऐसे लिख सकते हैं। अब पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर के, बहुत ध्यान से पूरा फोकस चाहिए मुझे, मैं गर्दन उड़ा दूं, मार दूंगा, हत्या कर दूं, खूनी बन जाऊंगा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं सीखी।
सेंटर के रिलेटिव में क्या होगा, आओ देखते हैं, सेंटर पे बैठते हैं देखते हैं क्या। तो बेटा हम सेंटर पे नॉन रोटेटरी ऑब्जर्वर, नॉर्मल ऑब्जर्वर बन के बैठ गए, केवल सेंटर पे हम बैठ गए। आई एम ट्रांसलेटिंग ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कई प्रकार का होता है, एक तो ये ऐसा बचा जो खुद भी घूमने लगा, ये ऑब्जर्वर बस सेंटर के साथ बैठ के चल रहा है, खुद रोटेट नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पर बेटा, और सेंटर पे जब ये ऑब्जर्वर बैठा तो ये सेंटर वाला पॉइंट काय पे आ गया, जाके रिलेटिव में हम गए, तासो पॉइंट काय पे आ गया। तो ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर केवल कैसा मोशन दिखेगा इस ऑब्जर्वर, हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सेंटर से देखने पे पार्टिकल का मोशन कैसा दिखेगा, कोई भी पार्टिकल हो। तो ये तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको कि रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के रिलेटिव में किसी भी दूसरे पार्टिकल को देखोगे तो कैसा मोशन दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, याद है, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता दिखेगा, या फिर ट्रांसलेटरी है तो रेस्ट पे दिखेगा। प्रजापति नाम राजाओं वाला है, प्रजापति प्रजा के पति, पढ़ा दिख रहे हो, कॉलगेट कर रहे हो क्या यहाँ रहे हो, ऐसा तो नहीं दिसंबर आ गया तो हफ्ते में दो गोले की तीन गोले कितने बार ना आ रहे हो हफ्ते में एक बार पांच बार, अरे झूठ बोलो तो शर्म करोगे, पांच बार तो हम कभी विश्वास ना माने, क्यों भाई पांच बार ना आ रहा होगा क्या। देखो आयुष से पूछो, कह रहे सर मैं तो सिर्फ एक दिन ना आ रहा हूँ। तो सेंटर के रिलेटिव में मोशन कैसा दिखेगा, रोटेशन। सेंटर पे जब बैठ जाओगे तो सारे पार्टिकल कैसे, सारे पार्टिकल ये वाला पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर मोशन ऐसे करते हुए दिखेगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे दिखेगा। यानी कि एक्चुअली जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर के रिलेटिव में होगी, अगर मैं कहूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर मैं देखूंगा तो ये वाला पार्टिकल ऐसे दिखेगा आर ओमेगा से, 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 ये ऐसे दिखेगा आर ओमेगा से, ये ऐसे दिखेगा स्मॉल आर ओमेगा से, अरे दिखेगा। यानी एक्चुअली जो ये वाली वेलोसिटी है ये आर ओमेगा है, जिसे हम रोटेशनल वेलोसिटी कह रहे थे, रोटेशन के कारण मिलने वाली वेलोसिटी। और सेंटर की वेलोसिटी कितनी है बेटा, तो इसको हम वेक्टर, यानी कि ये दरअसल कुछ और नहीं, ये वाला वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा या स्मॉल आर ओमेगा, और ये वाली वेक्टर कौन सा है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन हमको करना है। बात समझ रहे ना, बस फर्क इतना है कि अभी तक हम इसको कह रहे थे वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, और इसको कह रहे थे वेलोसिटी ड्यू टू, इस तरह से भी समझ सकते हो। तो फिर वही बात है, अल्टीमेटली बात वही है कि इन दोनों वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूंगा, ये वाला जो वेक्टर, ये वाला, इसको वेक्टर फॉर्म में सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ाया था, वेक्टर फॉर्म जो होता है बी इक्वल टू आर ओमेगा का वेक्टर फॉर्म ओमेगा क्रॉस आर होगा, और ये सेंटर की वेलोसिटी जोड़ दोगे, इन दोनों का वेक्टर समाएगा। ये बस आपको लिखना करना वैसे ही जैसे हम कर रहे थे पिछले क्लास क्वेश्चन में, जैसे हमने बताया था वैसे, बस देखने का दूसरा नजरिया है ये। अब यहां पर हम इस तरह से नहीं दिखा रहे हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन है, सुपर पोजिशन हो रहा है, रोटेटरी मोशन, हम इसमें जनरल कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन से आपको ये हम बता रहे हैं कि आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे दिखेगी। यानी जिसे तुम आर ओमेगा कह रहे हो, जिसे तुम वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन कह रहे हो, ये एक्चुअली इसे ये भी कह सकते हो कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल गिव अस द नेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ रहे ना, बाकी पुरानी बातें वैसी ही, कंडीशन ऑफ सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अगर बताना हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लगा दोगे तो सेम कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन में आएगा। जैसे यहां पर मान लो हम तुमसे कहें वी और ओमेगा कॉन्स्टेंट, बेटा जब वी और ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है तो इसे हम यूनिफॉर्म रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रोलिंग कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है ना रोटेशनल वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर मैं सेंटर मास के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास देखूं और एक्सेलरेशन की बात करूं, यहां पे बिठा दिया मैंने ऑब्जर्वर, तो मैं पूछूं कि ये पार्टिकल कैसा दिख रहा है, तो आपने कहा सर यूसीएम दिख रहा है, हर एक पार्टिकल ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है तो क्या करता नजर आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पार्टिकल के पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है, केवल कौन सा होता है, सेंट्रीपेटल होता है। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर होगा सेंटर मास के रिलेटिव में,
इसका इधर होगा आर ओमेगा स्क्वायर, इसका इधर होगा आर ओमेगा स्क्वायर, इसका इधर होगा आर ओमेगा स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं? yes, yes. तो अगर यहाँ हम यूनिफॉर्म रोलिंग की बात करेंगे तो v यहाँ पर कांस्टेंट है यूनिफॉर्म रोलिंग में, ओमेगा कांस्टेंट है, और जब यूनिफॉर्म रोलिंग होती है तो a जीरो है सेंटर मास का और अल्फा जीरो है, दो चीजें यहाँ पर जीरो है, तो सेंटर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, यानी किसी पार्टिकल का ग्राउंड के रिलेटिव में वही एक्सेलरेशन होगा जो पार्टिकल का किसके रिलेटिव में है, और सेंटर के रिलेटिव में पार्टिकल के पास कौन सा एक्सेलरेशन है, ओनली सेंटर। ये UCF होता तो r अल्फा भी होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है ना। तो अभी फिलहाल आप सिंपल ये देखें कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर इनमें से बताना हो तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, r ओमेगा स्क्वायर विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। इवन लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी r ओमेगा स्क्वायर होगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो होगा, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, इट इज आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे लिए न्यूमेरिकल ये है कि हमारे लिए सवाल ये है कि हमको रोलिंग दे दिया जाएगा ग्राउंड पे, सेंटर की वेलोसिटी ऐसे दे दिया जाएगा कि ये प्योर रोलिंग कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, रेडियस आर है और हमें बहुत सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी बतानी होगी, ए पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, बी की बतानी है, सी की बतानी है, डी की बतानी है, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट यहाँ से आर बाय टू की डिस्टेंस पे है, ये एफ पॉइंट है जो यहाँ से 45 डिग्री पे है, तो ये ए बी सी डी ई एफ छह के छह पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी। तो बस आप बेसिक लॉजिक से करो, एक बी वेक्टर लिखना, एक आर ओमेगा वेक्टर लिखना और दोनों का वेक्टर रिजल्ट निकालना। देखो लेकिन ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाली जमीन क्या बेटा, ये सरफेस क्या है ग्राउंड, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इससे हम लोग पहले से निकाल चुके, देखो हमने मिटाया नहीं, अभी ये लिखा हो v इक्वल टू ओमेगा है कि नहीं, यानी अगर हमको v पता है तो हमको ओमेगा भी पता है, जहां जहां r ओमेगा होगा वहां वहां क्या लिख देंगे, तो सारे आंसर मुझे v के टर्म में चाहिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ v, ठीक है ना। तो चलो निकालो, और सभी पॉइंट के एक्सेलरेशन भी चाहिए मुझे सारे पॉइंट के, तो क्या क्या बताना है बेटा, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए कॉमा वेलोसिटी ऑफ बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई पॉइंट का कॉमा एफ आर बाय टू पे, ई आर बाय टू, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी कॉमा पॉइंट सी कॉमा पॉइंट डी कॉमा पॉइंट ई कॉमा पॉइंट एफ, और ये कौन सी रोलिंग बेटा, ये यूनिफॉर्म रोलिंग। यूनिफॉर्म रोलिंग का क्या मतलब होता है, बॉडी के पास ना तो कोई लीनियर एक्सेलरेशन है और ना ही कोई एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों इसी तरफ होगी क्या, टू वी होगी, इसकी तो वी है, इसकी जीरो है, इस वाले पॉइंट की वी इधर होगी, आर ओमेगा इधर होगी ना, तो आर ओमेगा को वी लिखोगे तो ये वी रूट टू आएगा और ये 45 डिग्री आएगा कि नहीं, ये वाला पॉइंट जो है इसमें v इधर की तरफ आएगी और ये r यहां से डिस्टेंस r by 2 है, तो r by 2 ओमेगा, कौन सा पॉइंट है, e, e की हो जाएगी 3v by 2 हो जाएगी, v plus r ओमेगा by 2, बताओ भाई, yes sir, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v इधर होगी, r ओमेगा इधर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी v एंगल 90 डिग्री v root 2 हो जाएगी ना, yes sir। इस पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ये 45 डिग्री पे है, तो v इधर की तरफ है और r ओमेगा ऐसे आएगा, r ओमेगा भी v है, ये 45 आएगा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, v plus v by root 2 आएगा, plus v by root 2, ये कौन सा पॉइंट है, f पॉइंट, अरे आएगी कि नहीं, इस तरह से एक्सेलरेशन का जहां तक सवाल है, तो क्योंकि सेंटर के पास तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इस पॉइंट का इधर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, इस पॉइंट का इधर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, इस पॉइंट का इधर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, इस पॉइंट का इधर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, इस पॉइंट का इधर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, और ये मिड पॉइंट है ये इसका आर बाय टू ओमेगा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सबके ये होंगे, डायरेक्शन एज टूवर्ड्स द सेंटर होगी, समझ रहे ना, क्योंकि यूनिफॉर्म रोलिंग में अल्फा तो होता नहीं है, ये तो होता नहीं, तो सेंटर के रिलेटिव में जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू सर्कुलर मोशन
सेंट्रीपेटल अकेला होगा, कोई दिक्कत? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो होती है, पर क्या उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता है? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, बहुत जनरल मिसकंसेप्शन है, गड़बड़ ना करें, ठीक है? और इसीलिए ये वाला पॉइंट रेस्ट से मोशन में इसी एक्सेलरेशन के कारण जाता है, वैसे वो मोमेंट्री रेस्ट पे तो है पर उसके पास कुछ एक्सेलरेशन इसमें ऐसा है ना श्रेया, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में लिखने के लिए पहले हम सेंटर के रिलेटिव में लिख रहे हैं, फिर सेंटर का ग्राउंड के रिलेटिव में, ये है जीरो। तो सेंटर के रिलेटिव में जो एक्सेलरेशन है वही है, जब हम सेंटर के रिलेटिव में जाके देख रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो हमें हर पार्टिकल मोशन कैसा करता दिख रहा है, सर्कुलर मोशन, और कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन दिखता है तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपेटल। तो यहाँ होगा पार्टिकल तो सेंट्री की तरफ ऐसे होगा, यहाँ होगा पार्टिकल तो ऐसे होगा, आर ओमेगा स्क्वायर है ना, सेंटर की तरफ होगा सेंट्रीपेटल, वी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले होते हैं ना, बताओ भैया समझ गए यहाँ तक बातें? चलिए नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग और डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग पे बात